चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 9-7 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारा अगला प्रॉब्लम है। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है। अभी लेट्स से कि वो क्वेश्चन इस टाइप को बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले कन्फर्म करना पड़ेगा कि क्या वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है। अब अगर हमें पता है, अगर कन्फर्म है कि वो इसी टाइप को बिलोंग करता है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है तुम्हें बस वो फॉलो करना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कन्फर्म करना ज़रूरी है सबसे पहले, और उसी में ज़्यादा हार्डवर्क जाता है। एनीवे, एक प्रॉब्लम लेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, इस प्रॉब्लम में ना dx/dy क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ना dy/dx क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मतलब अगर सपोज dy/dx अगर होता था तो हमें एक क्लू मिल जाता था कि वो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अगर dx/dy अगर मेंशन होता तो हमें एक क्लू मिल जाता था कि वो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है। एंड अगर dy/dx भी होता था तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इसी टाइप का है, वो इस टाइप का भी हो सकता है या कोई और टाइप का भी हो सकता है। हमें लाइक एंड नथिंग इज 100% एक तरफा हियर, हर एक चीज़ हमें कंफर्म करके देखनी पड़ती है, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में। अब एनीवे, तो यहाँ पे अभी कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमें अपना ही दिमाग या खुद का ही दिमाग यूज़ करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x है या कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे जो p और q है वो फंक्शन ऑफ y है या कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आधे से ज़्यादा टर्म्स फंक्शन ऑफ y है। ये हमारा फंक्शन ऑफ y है, ये हमारा फंक्शन ऑफ y है। अब यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है कि वो क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे p और q दो टर्म्स फंक्शन ऑफ y है और एक ही सिंगल x है। यहाँ पे भी दो टर्म्स फंक्शन ऑफ y है और एक ही सिंगल x है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया कि ये क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, और इसलिए हम इस टाइप को लेंगे और इस टाइप का ये क्वेश्चन 100% है क्या, ये कन्फर्म करेंगे। ठीक है, सो अभी कैसे कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले dx/dy, तो सबसे पहले इधर हम dx/dy लाएंगे। तो अगर इधर dx/dy हमें लाना है तो उसके लिए हमें इन दोनों टर्म्स को dy के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर सपोज मैं इसको dy के साथ डिवाइड करूँगा तो आएगा 1+y² और dx/dy प्लस x-e(tan−1y) और dy/dy तो 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, n=0, राइट। अभी यहाँ पे dx/dy आ गया, यहाँ पे भी dx/dy, बट यहाँ पे जो dx/dy वो सिंगल है, यहाँ पे जो dx/dy वो इसके साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए इसको सिंगल करना पड़ेगा और इसका तो मार ही डालना पड़ेगा। तो इसको हम मार डालेंगे अभी, तो कैसे मार डालेंगे देखो, अगर सपोज हम सारे के सारे टर्म्स को 1/y² से डिवाइड करेंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है, और यही हम करेंगे। सो dx/dy यहाँ पे सिंगल आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इस टर्म को 1+y² के साथ डिवाइड किया, तो ये कट हो गया। एंड उसके बाद प्लस फिर x/1+y² एंड −e(tan−1y/1+y² = 0, ठीक है। अब dx/dy प्लस देन p इज अ फंक्शन ऑफ y, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, मतलब लाइक एग्जैक्टली नॉट अ फंक्शन ऑफ y, इसमें x भी है। सो हम क्या करेंगे, देखो वहाँ पे px है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dy प्लस 1/1+y² और x, तो px, p इज अ फंक्शन ऑफ y, तो बराबर है। एंड उसके बाद q, बट यहाँ पे = 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम उधर लेके जाएंगे। सो इट इज़, अगर ये उधर गया तो e(tan−1y एंड −1+y², ठीक है। एंड जो हमारा q है, अब ये q है हमारा, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ y, और वो q भी फंक्शन ऑफ y होना ही चाहिए। सो बेसिकली अब ये बिल्कुल उस फॉर्म में है, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे LDE(x), मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x। जब ये होता है, इस टाइप का होता है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x लिखना पड़ता है, वेयर p और q की वैल्यू हम सेपरेटली लिखेंगे, हमें पता है ये p है और ये हमारा q है, ठीक है, लाइक
वो फॉर्म में तो हमें पता है. सो पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्यू इज इक्वल टू ई रेज टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर राइट. सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड नाउ वी आर गोना कैलकुलेट फर्दर. सो नाउ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू ब्ला 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 बट For the solution, we need to find IF. IF is indicating factor, right? So, indicating factor, first we need to find that. So, indicating factor is e raised to integration of p dy, right? So, first we need to find integrating factor with this formula. So, we are going to write IF is equal to e raised to integration of p dy. And now, e raised to integration of p. What is p? PVP. 1 upon 1 plus y square. So 1 upon 1 plus y square and divide, and we are gonna solve this. So that is e raised to it got a formula like formula hota hai iska. So that is tan inverse y. Iska formula hota hai. Integration of 1 upon 1 plus y square is tan inverse y, right? So it's tan inverse y. And that's the answer. And now that's not only the answer, that's the integrating factor. Yeah, my integrating factor, right? Ab hum kya karenge? Solution is x into integrating factor. Sabse pehle wo formula hi yahan pe likh denge. Solution is. So what is solution x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor and dy and plus c. Now x into integrating factor, which is e raised to tan inverse y, and is equal to integration of q. What is q? This is q. So we're gonna write e raised to tan inverse y and upon 1 plus y square. And then there is like a integrating factor, which is e raised to tan inverse y and dy plus c. अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से देखो, ठीक है? ये जो मैं आगे करने वाला हूँ, ये चीज़ आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है. अब देखो, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं? हमें लाइक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. तो वैसे जनरली जो e के टकले पे होता है उसको हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 99% ऑफ द टाइम वैसे होता है, बट यहाँ पे हम e रेज टू लाइक इस पूरे को t असाइन करेंगे, ठीक है? सो पुट t इज इक्वल टू e रेज टू tan इनवर्स y, राइट? अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d t इज इक्वल टू, अब इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, e रेज टू tan इनवर्स y, और इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर e रेज टू y को हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो आंसर आता है e रेज टू y. e रेज टू sin y को हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो आंसर आता है, वो तो आता ही है, बट उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है जो ऊपर होता है वो. तो इधर भी ये तो आता ही है, बट इसको हमें फिर से एक बार विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो अगर tan इनवर्स y को विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो रिवर्स होगा. सो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है? मतलब बेसिकली उसका एक फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, एंड उसके बाद dy. तो बेसिकली ये हमारे पास आया. अब यहाँ पे देखो e रेज टू tan इनवर्स y ये और dy, e रेज टू tan इनवर्स y ये और dy सेम है. तो इसको हम dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये जो बचा हुआ है इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे इसको और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज x. अब लाइक यहाँ पे इसको भी t कर पुट करना तो कर सकते हो, बट रहने देते हैं इसको. सो e रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे dt लिखूंगा और ये जो है इसको t लिखूंगा एंड प्लस c, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज कहाँ पे करो, यहाँ पे कर लेते हैं. सो इट इज x e रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अगर सपोज हम t को विद रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंट यानी इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा t स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस c. एंड ये आपका नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है? दो मिनट,
इसको हमें वापस रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा टी को, लाइक टी के जगह पे उसका उसका वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो टीचर तुम्हारे मार्क्स काटने वाली है। सो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इंटू ई रेज टू टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अगर अब टी का वैल्यू क्या था, ई रेज टू टेन इनवर्स वाई। सो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ई रेज टू टेन इनवर्स वाई द होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे अपॉन टू भी है तो अपॉन टू एंड प्लस सी, एंड अब ये आपका फाइनल आंसर है।